अरे तू कुछ बोलना है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला है। तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? अभी निकलेंगे। अच्छा तेरे को तो एक बात पूछना ही भूल गया, नया घर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो मेरा ये घर बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे भी लगेंगे। अच्छा अब मैं निकल रहा हूँ, तेरा ख्याल रखना। ठीक है अब तुम आओ। ये तू क्या पहना है? मैंने तुझे बोला था ना ये सब ड्रेस पहन के घर में मत घूमना। उसमें क्या होगा, दूसरा कोई तो नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। मेरा हूँ या कोई और ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि तू अभी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हो गई है। मैं उतना नहीं जानती, ये मेरा घर है, मैं कुछ भी पहन, तुम एकदम में मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है बहुत हुआ, अभी बैग पकड़। ठीक है, हर वक्त चिल्लाता है मेरे ऊपर शैतान कहीं का। सुन हाँ आज मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, हर दिन तुम अकेले ही पीते हो, आज मैं भी पीऊंगी। तेरा उम्र नहीं हुआ है पीने के लिए, ठीक है? सुन ये तेरा कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आज तुम्हारे लिए मैं इतना बड़े कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुन ये सब मेरे लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए। तू बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। तुम नहीं होते तो मेरा पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता। अच्छा बहुत हुआ, अभी बहुत रात हो चुका है, अभी तू सो जा। ये ले जा।
क्या रे मिले, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? टीपू किसके लिए इतना ऋण लेता है? क्या तू के उसके मन में तू अभी तक समझ नहीं पाए? तू अभी बड़ी हो चुकी है मिली, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ तू है मिली, सिर्फ तू। हाँ मैं समझ रही हूँ, उसे दरवाजा खोल के मुझे चेंज करना चाहिए था। टीपू के पास जाके मैं सो गई थी, वो भी मेरी गलती गलती थी। टीपू बहुत बहुत मौका मिला मुझे छूने की, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं किया। पूरा लाइफ ना क्या क्या है, मुझे कभी कभी तकलीफ नहीं दिया उसे, लेकिन मैं उसकी कुछ भी नहीं कर पाई। आज मैं जो कुछ भी उसके दौरा थी उसका उसका ऐसा चुकाना करना चाहिए। आज आ गया है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ खर्च करना चाहिए उसके लिए। इतनी रात को तू यह काम कर रहा है? मुझे पता है तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है। दुख किस बात की? मैं तो खुश हूँ, देख। तुमने कल मुझे बताया ना कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ। मैं सच में बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है। क्या समझती है बता। यही कि तुम मुझे रस्ते से उठा के लाए थे, कभी मुझे खाना मिलते थे और कभी नहीं, और तुम अपने हाथों से मुझे खाना बना के मुझे खिलाते थे। घर का सब काम छोड़ के तुम मुझे स्कूल ले आते थे। तुम मुझे इतना लिखाया पढ़ाया हो, उस दिन अगर तुम मुझे नहीं ले आते तो मैं कोई घने अंधेरे में डूब जाती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए मेरे जिस्म के ऊपर इसका अधिकार हो तो वो सिर्फ तुम्हारा। ये तो क्या कर रहा है? जब मेरा मम्मी पापा और मेरा छोटा बहन एक्सीडेंट में गुजर गया था, तब मैं अकेला हो गया था। तब भगवान ने मुझे तुझसे मिलाया। अगर तेरे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स हो तो उसी बहन का और कुछ नहीं, और अगर बुरा सोच होगी तो सिर्फ वो धानु के लिए। मैं आज उससे वादा करता हूं, मैं आज से धारो छोड़ दूंगा। बहन एक बार तू मेरे गले लग जा। भैया आ बहन, तू सिर्फ मेरा बहन है और कुछ नहीं। भैया तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमको कुछ गलत ही समझे थे। सॉरी भैया, सॉरी।